नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा श्री राधे राधे संकीर्तन मंडल द्वारा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का समापन। जिस तरह राधे राधे संकीर्तन मंडल द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, उसी कड़ी में श्री राधे राधे संकीर्तन मंडल द्वारा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। तो अभी राधे संकीर्तन मंडल द्वारा लगाई गई 84 कोस की परिक्रमा के अनुभव को न्यूज पर अपना अनुभव साझा करते हुए बताया गया कि इस तरह 84 कोस की परिक्रमा कई राज्यों से होकर निकलती है, तो वही हर जगह पर प्रशासन द्वारा पूर्ण सपोर्ट किया गया। और जिस तरह भगवान की लीलाएं 84 कोस की परिक्रमा में जुड़ी हुई है, उनको देखकर आनंदित होकर भगवान की लीलाओं को बताया, इसमें कई श्रद्धालु भावुक दिखाई दिए, जिसका समापन होने के बाद नेशनल चैम्बर भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। जनवरी को समाप्त हो गई, उसके उपलक्ष्य में आज 3 फरवरी को हमारा 84 कोस की यात्रा के लिए भंडारा आज यहाँ किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज होली गायन का भी कार्यक्रम हमारे मंडल के द्वारा यहाँ पर किया गया, जिसमें ब्राह्मणों की सेवा और पुजारियों की सेवा, ये सब आज कार्यक्रम रखा गया है। तो श्री राधे राधे संकीर्तन मंडल जो आगे और भी कोई प्रोग्राम करता रहा है, या खाली भजन संध्या या 84 कोस की परिक्रमा वगैरह? राधे राधे संकीर्तन मंडल पहले भी कई बार यात्राएं करा चुका है, और अभी आगामी होली से 27 मार्च से हमारी यात्रा जगन्नाथ की यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें हम यात्रा करा रहे हैं सभी यात्रियों को, और वहाँ ले जाके सबको यात्रा करा रहे हैं। ये सारा पूरा आपकी समिति द्वारा होता है या पेड़ वगैरह कुछ इसका शुल्क वगैरह? नहीं, इसका शुल्क लगता है, जेन्युइन जो भी शुल्क होता है वो सबसे मतलब जो देने वाला हो वो दे सकता, ना देने वाला हो उसके लिए यात्रा में यही सिस्टम है। धन्यवाद।